खेल के बहुत मजा आया। अब तो मैं जाके होमवर्क कर लूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। ये मेरे कपड़े में क्या लग गया है? ये क्या लग गया? मम्मा मुझे डांटेगी। ये मेरे कपड़े में क्या लग गया? मम्मा मम्मा देखो मेरे कपड़े में, देखो हाथ में, ये क्या गंदा था। मैंने कुछ नहीं किया मम्मा, सच में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये क्या है, सच में मुझे नहीं पता। मुझे डांटना मत मम्मा, मुझे मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे, ये मेरे कपड़े पे कैसे ब्लड लग गया। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ गलत काम भी नहीं किया। मुझे मारना मत मम्मा, सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। मैं बीमार हो गई हूँ क्या? क्या हो गया है मुझे? मम्मा बोलो ना, ऐसे मत देखो ना, क्या हो गया मुझे, देखो ना। अरे रो मत बेटा, ये कोई प्रॉब्लम, हाँ पक्का ये कोई बीमारी नहीं है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, ये कोई बीमारी नहीं है और मैं तुम्हें डांटूंगी राधे, नहीं राधे। ये तो हर बच्ची को होता है। तुम्हारी जो एज है वो 13 साल की हो गई है, 30 की। तो हर लड़की जो 12-13 साल की होती है, 11, 12, 13 या 14 ईयर की होती है, उसको ये प्रॉब्लम होती है। उसको ब्लड आते हैं जहाँ से आप टॉयलेट करती हैं, आपके प्राइवेट पार्ट से, वहाँ से टॉयलेट के मतलब जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से ब्लड आता है, और वो 12, 13, 14 साल की एज में आता है। और इस पे कोई डरने वाली बात नहीं होती है। इसको पीरियड कहते हैं या इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और इसको बहुत सी चीजें बोलते हैं, हिंदी में मासिक धर्म या महावारी कहते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा। अरे नहीं 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 रो मत, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। ये तुमको पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब अब तुम्हारा छोटी बच्ची से थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, और अब तुम्हारे अंदर पावर आ चुके हैं ढेर सारे। और ये कोई परेशान होने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, और ना ही ये कोई बीमारी है। ये पीरियड्स है, बताए ना, हर बच्ची को आता है। हाँ बस इसमें छोटी छोटी चीजों का तुम केयर करना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। जिस भी बच्ची को ऐसा हो तो आप उन सबको बताना कि जिनको भी ऐसे उनके कपड़े में ब्लड लगे या हाथ में लगे या पहली बार ब्लड आए तो वो डरे और घबराए ना, वो सीधे जाके अपनी मम्मा को बोले। हाँ बेटा, अब तुम्हें पता है ये जो पीरियड है ये तुम्हें हर महीने आएगा। मतलब जो आज तुम्हारा डेट है, आज 13 दिसंबर है ना, तो ये अब 30 जनवरी को आएगा, या फिर कभी कभी एक दिन आगे या एक दिन बाद भी ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैं अब तुमको कुछ चीज़ें बताऊँ, तुम उसको फॉलो करना, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो, ये है सुकन्या केयर का पैड, तुम्हें ये पैड यूज करना होगा। और ये पैड बहुत अच्छा होता है, पूरी तरीके से हर्बल और नेचुरल बना है, इको फ्रेंडली है, और ये पीरियड के टाइम पे बच्चियों को कोई नुकसान भी नहीं देगा। और साथ ही साथ ये इसकी सोकिंग कैपेसिटी, मतलब ये तुम्हारे ब्लड को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा 24 घंटे तक, तो तुम्हें बार बार पैड चेंज करने टेंशन नहीं होगी। तुम्हें कोई पहली बार पीरियड आया है तो कोई रैशेज नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट फीलिंग देगा। अब इसको तुम्हें करना क्या है वो भी मैं तुमको बताती हूँ। पैड से मैंने ये पाउच निकाला, इस पाउच से ये मैंने ले लिया, देखो ये होता है पैड। अब इसको क्या करना है ना, इसको ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखना, ये पूरा पैड है ना, ये ऊपर से इसकी लेयरिंग को ऐसे आप तो ऐसे इस पैड को ओपन कर लेना है। अब ये देखो ये पैड होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखो ये हमारा पैड है। अब इस पैड को हम यूज करेंगे तो हमारा पीरियड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, तो ये देखो ये पैड हो गया है ना, इसे मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगी और ये देखो यहाँ से इसको ओपन कर दिया। अब ये देखो हो गया ना पूरा। अब ये मैं पीछे से इसका जब स्टिकर निकालूंगी तो ये पीछे से अच्छे से आपके पैंटी पे ऐसे अच्छे से होल्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जैसे आप पैंटी पहनते हो बस इसको पैंटी में लगा के और उसे पहन लेना है।
और पहनने के बाद कोई टेंशन नहीं, सारे ब्लड इस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये देखो पूरी तरीके से सॉफ्ट है, इस पे टिश्यू पेपर है और इस पे इनायन चिप है, ऑक्सीजन लेयर है, इसमें पूरी तरीके से हर्बल है। एंड ये पूरा देखो, ये इसे पैड बोलते हैं, ये पैड होता है जब किसी भी बच्चे को पीरियड स्टार्ट होता है तो ये पैड उसे इस्तेमाल कराया जाता है, इससे उनका ब्लड अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। देखो ये कितने लंबे चौड़े भी हैं, तो पहली बार बच्चियों को जब पीरियड आता है उस समय अगर ये यूज करेंगी तो उनके पीरियड्स में कोई उनको टेंशन। अब ये पैड जल्दी से मैंने बताया है, इस पैड्स को जाओ आप यूज कर लो और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड आना अच्छी बात होती है। और अगर कोई आपकी दोस्त के साथ ऐसा हो तो आप उसे बताना कि ये डरने वाली बात नहीं है, ये हर बच्ची को पीरियड स्टार्ट होता है और पीरियड में उनको ऐसे पैड यूज करने होते हैं, अच्छे पैड, प्लास्टिक फ्री पैड, केमिकल फ्री पैड, और जिससे बच्चियों को रैशेज ना हो। तो ये लो बेटा और जल्दी से आप जाओ इसे अपने पैंट्स पे यूज कर लो और हैंड वॉश कर लो, ड्रेस चेंज कर लो और फिर मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खाने को देती हूँ, ठीक है ना? पकड़ो, गुड गर्ल, जाइए आप जल्दी से चेंज करके आइए, मम्मा आपका वेट कर रही है। तो अगर आपकी बच्चियों को भी पहली बार पीरियड आ रहा तो आप उन्हें प्यार से समझाइए पीरियड क्या होता है, उन्हें पीरियड के बारे में सारी जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए पीरियड आना कोई गलत चीज़ नहीं है और पीरियड में उन्हें यूज कराइए एक हर्बल नेचुरल और उनके अकॉर्डिंग एक पैड जो उनको सेफ रखे, सुरक्षित रखे, उन्हें कोई इरिटेशन ना दे, उन्हें कोई रैशेज ना दे, उन्हें कोई बीमारी ना दे। और ऐसा ही पैड है सुकन्या केयर का पैड जो कि मैंने आपको दिखाया और अपनी बेटी को भी यूज कराया। तो आप सभी बिना किसी प्रॉब्लम के सुकन्या केयर संस्था का पैड अपनी बेटी को यूज कराइए और उसे हजारों बीमारियों से